ग्राम नागजीरी में पंचायत राज दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन पीएम का लाइव प्रसारण दिखाया गया एवं गृह प्रवेश भी कराया गया। खरगोन के समीपस्थ ग्राम नागजीरी में पंचायती राज दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं ग्रामीणों को माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वर्चुअल कार्यक्रम भी सुनाया गया एवं उद्बोधन पश्चात हितग्राहियों को लाभ दिया गया। उक्त अवसर पर लगभग 4,11,00,000 की लागत से बने घरों में गृह प्रवेश भी करवाया गया। अध्यक्ष प्रतिनिधि तंवर ने भाजपा सरकार के कार्यों के बारे में बताया। इसमें आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रीवा में जो प्रधानमंत्री गृह प्रवेश का पूरा आयोजन किया गया है, पूरे प्रदेश में लगभग 4,25,00,000 के लगभग आवासों का आज गृह प्रवेश हुआ है। हमारे खरगोन जिले में लगभग 15,000 के लगभग आज गृह प्रवेश हुआ है। इसके अंतर्गत ये नागजीरी में हमारा जिला पंचायत स्तरीय कार्यक्रम हुआ है। इसमें हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष माता जी श्रीमती अनुभाई तंवर, हमारे जिला उपाध्यक्ष श्री बापू सिंह परियार जी, हमारे एडिशनल सीओ साहब, जनपद अध्यक्ष, यहाँ के मंडल अध्यक्ष, बाकी गांव के समस्त कार्यकर्ता बंधु सब पधारे इस कार्यक्रम में। और किसी का भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पूरा संकल्प है कि किसी का भी 2024 तक मकान कच्चा नहीं रहेगा। उपाध्यक्ष परिहार ने उद्बोधन में सभी का आभार माना एवं कार्यों की तारीफ की। हमारे बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे मतलब प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से अभी आज करीबन समथिंग मतलब 7,25,000 के मतलब आज गृह प्रवेश पूरे भारत में हुआ है। हमारे ज़िले में 15,03,000 के समथिंग आज गृह प्रवेश हुआ है। हमारे नागजीरी में 50 आवास थे, 50 में से 48 बन चुके हैं, मात्र 2 प्रगतिशील है। उपस्थित एडिशनल सीईओ ने सरकार की लाभकारी योजना के आंकड़े समन्वय कर बताया और आवेदन संबंधित बातें बताई। आज पंचायत राज दिवस भी है और ये कार्यक्रम राज्य माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में रीवा में आयोजित हुआ है और पूरे न केवल नागजीरी में बल्कि पूरे खरगोन जिले में, हमारे जिले की अगर बात करें तो पूरे जिले में सभी पंचायतों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पूरे जिले में 15,000 से अधिक जो नए आवास बने उनमें गृह प्रवेश कार्यक्रम कराया जा रहा है। हमारे ज़िले में की अगर बात करें तो 1,07,000 अभी आवास स्वीकृत है, उनमें से 98,000 पूरे हुए हैं, उसमें से 9,000 आवास चल रहे हैं, वो भी हमारी टीम लगी हुई, वो भी हम जल्दी से आवास पूरा कर लेंगे। नागजीरी में चुनने का केवल यही है कि नागजीरी में यहाँ आवास पहले हमने खरगोन में पिछला कार्यक्रम अभी भी गोगांव में किया, इसी तरह से रोटेशन पर हम कार्यक्रम करते रहते हैं हर ब्लॉक में। हाँ, आगामी समय में और भी आवास पूरे होंगे और जब भी शासन के निर्देश आएंगे कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम नागजीरी पंचायत के द्वारा व्यवस्थित रूप से आयोजन हुआ एवं सरपंच उप सरपंच उपस्थित रहे। इस अवसर पर पंचायत अध्यक्ष अनुबाई तंवर, अध्यक्ष प्रतिनिधि बंटी तंवर, उपाध्यक्ष बापू सिंह परिहार, जिला पंचायत एडिशनल सीईओ पुरुषोत्तम पाटीदार आदि ग्रामीणजन उपस्थित रहे। हमको कुटी मिली तो कच्चा मकान था तो हमको कुटी मिली, उनका बहुत धन्यवाद मोदी साहब का। डिजियाना न्यूज डिमांड रिपोर्ट खरगोन। बाढ़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमांड को सब्सक्राइब जरूर करें।